मदारगेट व्यापारी संघ के संरक्षक और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कैलाश जालीवाल पर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा दर्ज राजकार्य में बाधा के मुकदमे को जबरन और द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करार देते हुए बुधवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के बैनर तले सैकड़ों व्यापारियों ने डीआईजी और पुलिस अधीक्षक महेंद्र चौधरी को ज्ञापन देकर सदर कोतवाली थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर जितेंद्र गंगवानी को तत्काल निलंबित करने और जालीवाल पर कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने की मांग की। किसी भी थाने के एसएचओ को संवेदनशील रह करके आम जनता की बात को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, लेकिन जहां तक एसएचओ कोतवाली का प्रश्न है, बिल्कुल असंवेदनशील है, अकड़ू टाइप आदमी है और पता नहीं खुद को ऊपर समझ के दूसरों को सबको नगण्य मानते हैं। महेश तैलिक वैश्य समाज सभा के अध्यक्ष कैलाश झालीवाल के समर्थन में तैलिक समाज के सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गंगवानी द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को हटाने की मांग की। तैलिक वैश्य समाज के लोगों ने गंगवानी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ये व्यापारिक संगठन के ये हमारे समाज के अध्यक्ष है श्रीमान कैलाश जी झालीवाल और मदारगेट व्यापारी संघ के संरक्षक है और उनके साथ में नाजायज तरीके से जो इन्होंने कोतवाल साहब ने किया है ये तरीका सही नहीं है। हम एसपी साहब से मिले और इस संदर्भ में हमारे पूरे रोष में तैलिक वैश्य समाज में बहुत रोष है और इनके साथ में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो इसके साथ आगे से कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं हूँ, एसपी से डरता नहीं हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, नेता मेरे कहाँ अटते हैं। ये तरीका नहीं होता है साहब एक अफसर को इस तरह से बात करने का।